नमस्कार, मैं सोनू सैनी दीपिका मार्बल मूर्ति से लेके आया हूँ राधा कृष्ण की मूर्ति और महाप्रभु की मूर्ति। तो दर्शकों, एक बार के लिए मैं कंप्लीट दोनों मूर्तियां आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप दोनों मूर्तियां देखिए, उसके बाद अपन इनके मेजरमेंट और प्राइस की चर्चा करेंगे। आप मूर्तियां देखिए कितनी सुपर प्यारी, एकदम मनमोहक मकराना सुपर व्हाइट मार्बल में आप जैसा देख पा रहे हैं। अभी इस पे कोई पेंटिंग वगैरह नहीं है, ओनली मकराना मार्बल में ही आपको दिखाई दे रही है। हल्की सी पेंटिंग जो कलर में आपको लग रही है वही है, सिर्फ ये पेंटिंग है, चेहरे पे कहीं पे भी पेंटिंग नहीं है, कंप्लीट मकराना मार्बल है। और यही मकराना मार्बल की खास बात है कि पेंटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि ये मार्बल ही सुपर है। दूसरी जो मूर्ति आप देख रहे हैं राधा कृष्णा की जुगल मूर्ति है, आप देखिए मकराना के सुपर वाइट मार्बल में मेरे को लग रही है और बहुत ही सुंदर प्यारी मूर्ति है। अब अपन इनके मेजरमेंट और प्राइस के बारे में सोनू जी से जानकारी ले लेते हैं। तो सोनू जी, इनकी हाइट विड्थ और प्राइस के बारे में जानकारी दीजिए सर। ये 18 इंची हाइट के अंदर है। अच्छा, 18 इंची हाइट के अंदर राधा कृष्णा की जुगल मूर्ति है। 25,000 रुपए इसकी रेट है मकराना एक नंबर में। अच्छा, मकराना एक नंबर में 25,000 इसकी प्राइस आने वाली है 18 इंची के अंदर। और सुपर वाइट है मकराना, ये कोलकाता के लिए बनी हुई है। अच्छा, कोलकाता का ऑर्डर है। आपको भी अगर ऐसी सुंदर मूर्ति अपने घर में छोटे मंदिर के लिए बनवानी हो तो आप सीधे मकराना से बनवा सकते हैं। सुनो जी, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है इसका? हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर है और प्रूफ भी करके देते हैं, गारंटी के साथ आपको मकराना ही माल मिलेगा। अच्छा, ऐसा इशू नहीं है कि आपको मकराना नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा छोटी मूर्ति के लिए कस्टमर मकराना नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा बजट लग जाता है और वो छोटी मूर्ति को ऑनलाइन मंगवाना पसंद करते हैं। बस भरोसे वाला व्यक्ति मिलना चाहिए, भरोसा वाला, और भरोसे के साथ हम साबित भी करके देते हैं। जैसे कि अभी ये मूर्ति है मकराने की, तो हमने मकराना मार्बल से बनाई है, तो हमारी जो दीपिका मार्बल मूर्ति फर्म है, तो ये लो इसकी हमने सील लगा के दे दी है कि ये को किसकी मूर्ति बनी हुई है, ओरिजिनल मकराना मार्बल। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सोनू जी, बाकायदा अपनी शॉप की सील लगा के देते हैं फर्म की कि ये मूर्ति इनकी और ओरिजिनल मकराना मार्बल की है। सील के साथ ये बिलिंग पे भी बाकायदा लिख के देते हैं कस्टमर को कि ये ओरिजिनल मकराना मार्बल है, और मकराना मार्बल के साथ बाकायदा कंप्लीट जानकारी के साथ ये आपको बिल विद सील प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि ऑनलाइन करते हैं तो उनके पास प्रूफ नहीं होता है कि हमने इनको पेमेंट दिया, तो कस्टमर को मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने इसको पेमेंट दे दिया। बिल्कुल, आज के युग के अंदर तो हम हमारी तरफ से स्लिप ही देते हैं कि आपने हमें इतना पेमेंट दिया है, आपको आपके इस टाइम के अकॉर्डिंग माल मिलेगा। लेट हो सकता है बट छोटे का माल मिलने की गारंटी हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनका जितना पैसा खर्च हुआ है उतना उनको माल मटेरियल मिलेगा, उतनी अच्छी मूर्ति मिलेगी और वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। बिल्कुल, तो अगर आपको किसी प्रकार की मूर्ति बनवानी हो तो आप सोनू जी से संपर्क कर सकते हैं। सोनू जी की कंप्लीट जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप इनसे बातचीत कीजिए। अगर आप संतुष्ट होते हैं, आपको अच्छा लगता है, उन पर भरोसा होता है, तो आप अपनी मूर्ति ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और बाकी ऑफलाइन तो आप इनके शॉप पे आके बनवा सकते हैं। हाँ, दोनों रिव्यू खुला है अपने तरफ से, चाहे जैसे भी, और जो माल दूंगा ओरिजिनल छोटे का गारंटी के साथ ही दूंगा, जैसे मकराना है तो मकराना ही दूंगा आपको। तो सुनो जी, आप शायद पूरी कोशिश करते हैं कि चाहे ऑफलाइन दो तो मकराना मार्बल मिले कस्टमर को, और ऑनलाइन मिले तो पूरी तरह कोशिश करते हैं कि उनको संतुष्टि हो। 99% मकराना देता हूँ, 1% इसलिए कोई कस्टमर कहता है नहीं अपन को, क्योंकि बेसलाना मार्बल वो आता है, काला पत्थर आता है, हमें देना पड़ता है, मना नहीं कर सकते हैं। तो 1% के अंदर ये रिज्यूम आ जाता है कि कस्टमर खुद कह देता है हमें दूसरा माल चाहिए, या तब हम देते हैं, नहीं तो मेरा यही रिज्यूम रहता है कि मकराना ही दूँ किसी भी बंदे को, चाहे दो नंबर लो, आप मैं मना नहीं करता, दो नंबर में रेट थोड़ी डाउन आएगी आपको, लेकिन दूंगा मकराना मार्बल ही। बिल्कुल, एक नंबर, दो नंबर और डेढ़ नंबर मकराना मार्बल ही है। हाँ, बस वाइटनेस का डिफरेंस होता है। हाँ, वाइटनेस का डिफरेंस रहता है, दाग धब्बे आते हैं दो नंबर में, जैसे कालापन आता है वो इशू नहीं है, लेकिन होता मकराना मार्बल ही है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो आपकी है। बिल्कुल, तो दर्शकों जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ सोनू जी, अभी कार्य में चल रही जो मूर्तियाँ, आपको ऐसी किसी भी प्रकार की मूर्ति, किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति आपको बनवानी हो, स्टेचू बनवाना हो, आप सोनू जी को फोटो प्रोवाइड कराएं और उस मूर्ति के बारे में कंप्लीट जानकारी लें। अगर आपको लगता है सोनू जी की प्राइस वगैरह और क्वालिटी अच्छी है तो आप इनसे मूर्ति बनवा सकते हैं, अपनी पूर्ण संतुष्टि कर सकते हैं आप इनसे, कर सकते हो आराम से। और सोनू जी की शॉप के बारे में आप देख लीजिए जानकारी, प्रॉपर मकराना के अंदर सोनू जी की शॉप है और आप कभी भी आगे विजिट कर सकते हैं। कभी भी आओ, फोन करके आना तो बढ़िया रहेगा, मैं मकराना शॉप पे मिलूंगा या साइड में कहीं जा भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, बट फोन करके आना। बिल्कुल बिल्कुल, तो सोनू जी इतनी अच्छी जानकारी मार्गदर्शकों को देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता रहे। क्रय विक्रय आप अपने स्वयं विवेक से करें, इसमें मार्बल दुनिया चैनल की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। संबंधित फर्म के बारे में संतुष्ट होने पर ही आप आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।